69,000 शिक्षक भर्ती में शासन स्तर पर गठित कमेटी ने आवेदन पत्रों में हुई गलतियों पर फैसला कर लिया है। इस मामले को न्याय विभाग के हवाले किया जाएगा। इसको लेकर कोई भी आखिरी फैसला न्याय विभाग की तरफ से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी विधायक अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक सड़कों का निर्माण करवा सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 100 विधायकों ने प्रस्ताव भी दे दिए हैं। तांडव वेब सीरीज मामले में लखनऊ पुलिस ने मुंबई पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने मुंबई में कुछ स्थानों पर जाकर पूछताछ की। इस मामले में वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक और अन्य को आरोपी बनाया गया है। वेब सीरीज तांडव पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के पद पर चयनित 298 कैंडिडेट और नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी 138 सहायक शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयनित शिक्षकों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने प्रदेश में संचालित जन जीवन मिशन और नमामि गंगे से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि समयबद्ध ढंग से लक्ष्यों के अनुसार योजनाएं पूरी की जाएगी। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने घायल शूटर के इलाज के लिए डॉक्टर को फोन किया और इस खुलासे के बाद पूर्व सांसद की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। 6 जनवरी को बदमाशों ने रात को अजीत सिंह पर हमला करके कई गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। नगर निकायों में अब अधिकारियों के अलावा समूह क और ग के कर्मचारियों के तबादले भी मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी। सेना में लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती घोटाले में सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है। कानपुर कैंट के डायरेक्टर जनरल और ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस कॉम्प्लेक्स ने साल 2016 में 6 क्लर्कों की भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज करा दी है। वेब सीरीज तांडव में हिंदू धर्म के अपमान पर सीएम योगी बेहद नाराज। योगी सरकार ने दर्ज एफआईआर पर पुलिस को कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वेब सीरीज तांडव को लेकर निर्माताओं ने बिना शर्त माफी मांगी। कहा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था इरादा। सरकार ने दी शिकायतों की जानकारी। तांडव को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। ने कहा किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है तांडव पर हंगामा। समाज में जहर घुल रही है सरकार। वेब सीरीज तांडव को लेकर चल रहे विवाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है कि तांडव वेब सीरीज में जो भी अपमानजनक या आपत्तिजनक है उसे हटा दिया जाना उचित होगा ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द व आपसी भाईचारे का वातावरण खराब ना हो। Amazon प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे कोहराम के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र याचिका भेजकर हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने पत्र याचिका में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने पर रोक लगाने के लिए दखल देने की मांग की है। जूना अखाड़ा भी तांडव वेब सीरीज का विरोध कर रहा है। जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने कहा कि अब ऐसे लोगों को समझाने का वक्त चला गया है, अब इन्हें चांटा लगाने का वक्त आ गया। उन्होंने कहा कि तांडव शब्द हमारे लिए पूजनीय है और इन लोगों ने संपूर्ण हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए ऐसा किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने तांडव वेब सीरीज को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वेब सीरीज बहुत कुछ गलत है, मुझे भी फील हो रहा है। महिलाओं पर ही नहीं, बहुत सी चीजें इसमें गलत है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के जरिए शासन प्रशासन बुंदेलखंड अंचल में किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लॉकडाउन में झांसी लौटी गुरलीन के पिता ने फार्म हाउस में लगभग 1.5 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी है। सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर टीम 11 के अफसरों को कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना के प्रति लगातार सतर्कता बरती जाए। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई पूरी। शाही ईदगाह पक्ष के ऑब्जेक्शन के बाद कोर्ट का आदेश 28 जनवरी को रिवीजन के तौर पर होगी सुनवाई। लखनऊ में एक सराफा दुकानदार पर राजस्थान के 2 युवकों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई करने और 5,77,000 की फिरौती मांगने का आरोप लगा है। घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के अमरनाथ मार्केट की है। अभी इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। अयोध्या में 21-22 जनवरी को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक है। आपको बता दें कि इसमें राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की डिजाइन पर मुहर लगी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी महासचिव राम अचल राजभर की चलाचल संपत्ति को करने के आदेश दिए हैं। दोनों नेताओं पर बीजेपी नेता जयशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है।
सहारनपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल के भाई अंकुर अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव के पास से लाइसेंसी पिस्टल बरामद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान, कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली के साथ किसान प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ में करोड़ों की ठगी करने वाला एजाज अहमद गिरफ्तार, मध्य प्रदेश से फरार 10,000 के इनामी बदमाश को इंदिरा नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में प्रेमी युगल ने एक ही रस्सी से फांसी पर लटका शव मिला है। एक ही खानदान के युवक युवती होने के कारण परिवार के लोग शादी के खिलाफ थे। कानपुर देहात में नहर में गिरी सवारियों से भरी बस, हादसे में एक महिला की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला गया। मेरठ में गो तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव में दरोगा और दो सिपाही हुए घायल, एक सरकारी जीप और एक अन्य वाहन में की गई तोड़फोड़। बरेली में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने का एक आया मामला सामने, शरारती तत्व ने घरों में लेटर डालकर फैलाई अफवाह, पुलिस आरोपियों की तलाश में। सीतापुर में बस के किराए को लेकर शुरू हुआ विवाद, बवाल में बदल किया, बस के अंदर ही जमकर लात घूंसे चले। बिजनौर में वाहन चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक एक स्कूटी बरामद। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक ने शराब के खिलाफ मुहिम चलाई, ग्रामीणों की पाठशालाएं लगाकर शराब नहीं बनने और बेचने का पाठ पढ़ाया। आजमगढ़ में प्रधान पति की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मारी, युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौतम बुद्ध नगर में सुपरटेक इको विलेज 1 के पास जख्मी हालत में मिला युवक, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा की केडी मेडिकल पुलिस चौकी के पास खून सड़क पर युवक का शव मिला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गौतम बुद्ध नगर में गांजे की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 4 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद। लखीमपुर खीरी में हिंदू संगठनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से दान देने की अपील की, घर घर जाकर दान देने के लिए अपील की। प्रयागराज प्रशासन ने एक बार फिर माफिया पर सख्त कार्रवाई की, माफिया आतिक के भाई पूर्व विधायक अशरफ के कार की कुर्की की गई। सहारनपुर में गुरुद्वारे के दान पत्र से चोरी करने की कोशिश का मामला आया सामने, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। झांसी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का झांसी मंडल की कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को काम की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में यातायात जागरूकता महीने का डीएम और एसपी ने आगाज किया, डीएम एसपी ने यातायात जागरूकता रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्रकूट में आज जन जागरूकता रैली निकालकर यातायात सुरक्षा माह की शुरुआत की गई, जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने पटेल चौक से छात्रों की जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शामली में किसानों का कृषि कानून को लेकर विरोध जारी, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता राहत सामग्री लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर दिल्ली के लिए रवाना हुए। जौनपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एक बूथ स्तर के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान लल्लू ने कहा कि हम 2022 चुनावों की तैयारी के लिए संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बस्ती में एक सास ने अपनी बहू पर परिवार वालों के साथ मारपीट का आरोप लगाया, महिला के पति और भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल, सरकारी अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज को लगाए गए टांके, सीएमओ ने दफ सफाई। फिरोजाबाद के जौनपाई गांव में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर, ग्रामीणों का आरोप, लोग दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं।